हेलो भाई, सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपकी दुआ का तलबगार आशु विनायत, और आज मैं यार बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। आप लोगों को बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में कि मेरा गूगल एडसेंस पिन जो था वो आ चुका है मेरे पास, और आज मैं डालने जा रहा हूँ इसको अपने सिस्टम के अंदर, अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसको कहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, और कहाँ पर इसको हम डालते हैं, कहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर। तो गाइज, जिससे हमारे बहुत बिगड़े हुए काम बनते हैं और हमारी यूट्यूब की जो अर्निंग होती है, जो हमारा यूट्यूब मनी होता है, वो हमारे बैंक में आ जाता है। तो यही वो पिन है जिसके जरिए हमारा एडसेंस अकाउंट वेरीफाई होगा, हमारा एड्रेस वेरीफाई होता है, और इस पिन को हम कहां पर डालते हैं। तो चलिए गाइस, आज आपको वही दिखाऊंगा मैं। तो चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर के। तो ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा यूट्यूब चैनल, और अभी चैनल को मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो में। तो चलिए गाइस, मैं फाइनली अपने यूट्यूब स्टूडियो में आ चुका हूँ, और ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। अभी आपको मैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाऊंगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने वाला हूँ। तो नाउ गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने पीसी स्क्रीन के ऊपर, और अब जो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। अब इसमें जाऊंगा मैं मोनेटाइजेशन सेक्शन के अंदर। तो मोनेटाइजेशन सेक्शन आता है डैशबोर्ड, कंटेंट एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल, कॉपीराइट एंड देन मोनेटाइज। तो मोनेटाइज के अंदर जाऊंगा मैं, तो वहीं पर ये सब हमको मिलने वाला है कि कहाँ पर हम अपना पिन डालने वाले हैं। तो मोनेटाइजेशन सेक्शन के अंदर, तो अब मैं अपने मोनेटाइजेशन सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। और अब मैं जाऊँगा ऊपर जो आ रहा है, गेटिंग पेड, कंफर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो इस पर क्लिक करूंगा कंप्लीट इन एडसेंस। अगर आप लोगों का पूरा एडसेंस अकाउंट अपना कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब आप लोगों ने अपना सब कुछ मोनेटाइज कर लिया होगा, बस सिर्फ आपका पिन पिन डालना बाकी होगा, तो आपको इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा कंप्लीट इन एडसेंस पर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये आपको यूट्यूब पेज से डायरेक्ट एडसेंस पेज के ऊपर लेकर जाएगा। तो एडसेंस पेज थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बाकी अब मैं आ चुका हूँ अपने एडसेंस अकाउंट के ऊपर। वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, वी हैव पोस्टेड अ पिन टू 11 सितंबर को। 11 सितंबर को इन्होंने मेरे पास पिन भेजा था। तो वही है, तो भैया ऊपर दिखा रहा है, यू हैव लेस देन 1 मंथ टू वेरीफाई योर एड्रेस, अदरवाइज यू विल स्टॉप डिस्प्लेइंग एड्स। यहाँ पर एक्शन। तो भाई ये साफ साफ लफ्ज में कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना पिन वेरीफाई नहीं करा, तो ये एड्स देना बंद कर देगा। यानी कि एड्स नहीं आएंगे तो फिर यूट्यूब मनी अर्निंग वगैरह कुछ नहीं आएगी, खत्म हो जाएगा पूरा चैनल। तो यार हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी मेहनत को बेकार नहीं करना है, तो फटाफट से इसको डालते हैं। या तो मैं वेरीफाई से क्लिक कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली वहाँ पर लिखवा रहा है ऊपर एक्शन, तो वहाँ से भी एक्शन से मैं क्लिक कर सकता हूँ, या फिर नीचे वेरीफाई से क्लिक कर सकता हूँ। तो चलिए आप किसी से भी क्लिक कर सकते हैं, या तो आप एक्शन बटन पर क्लिक कीजिएगा, या फिर आप नीचे वेरीफाई से क्लिक कीजिएगा। तो मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने वेरीफाई पर जब क्लिक किया, तो मेरे सामने इस तरह का पेज आ चुका है, ये बॉक्स आ चुका है जहाँ पर हमारा पिन डालना है। तो ये वो बॉक्स है, और ये हमारा पिन हाथ में हमारे। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 6 अंकों का, मतलब 6 न्यूमेरिकल नंबर है, और इनको इसमें बॉक्स के अंदर डालना है। तो ये क्या क्या है अब मैं डालने वाला हूँ इसके अंदर, और इसमें लिखा भी आ रहा है 11 सितंबर को इन्होंने मेरे पास भिजवा दिया था। यानी कि इससे पहले भी मैं अप्लाई कर चुका था, तब मेरे पास नहीं आया था, लेकिन इन दोबारा अप्लाई करने के बाद इन लोगों ने मेरे पास 11 सितंबर को ये भिजवा दिया, तो मेरे पास अब आया है सितंबर के एंड वीक में। अब इसमें इसकी लास्ट डेट भी दिखा रहा है कि इसको 30 नवंबर से पहले पहले डालना है, वरना है 30 नवंबर तक एक्सपायर हो जाएगा, 30 नवंबर के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको मुझे एक्सपायर नहीं करना है, फटाफट से इसको बॉक्स के अंदर डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 62 73 40 एंड अब इसको करता हूँ मैं सबमिट। तो नाउ फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है मेरा आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो गाइज अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये हो चुका है मेरा कंप्लीट, इसको फेंकूंगा नहीं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन के कागज से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब मेरी जमीन है, यूट्यूब मेरा प्लेटफॉर्म है, एक प्लॉट मेरा जैसे कह सकता हूँ मैं, और ये उसका कागज है, उसका बहनावा है मेरे लिए। तो मैं इसको फेंकूंगा नहीं, इसको ऐसे जाया नहीं करूंगा मैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो गाइज फाइनली ये डन हो चुका है, मेरा पिन आ चुका है, मेरा पिन डल चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अब बारी है मेरी अर्निंग मेरे अकाउंट में आने की। जैसे मेरे अकाउंट में मेरी अर्निंग आएगी, उसका मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, और उस अर्निंग से मैं क्या क्या करने वाला हूँ आपको बताऊँ थोड़ा थोड़ा सा कि मैं करने वाला हूँ। मेरे को अपनी स्कूटी ठीक करानी है, उसके ऊपर रैपिंग वगैरह करानी है, और एक हेलमेट लेना है अच्छा सा, और एक चिन माउंट वगैरह लेकर के थोड़ा बहुत राइडिंग ब्लॉग करूंगा। नहीं यार, हवाबाजी नहीं करनी मेरे को, बिल्कुल मेरे को नहीं करना है, स्टंटिंग वगैरह कर रहा हूँ मैं, ना दूर नहीं जाऊंगा मैं, लोकल लोकल एरियाज के अपने छोटे मोटे राइडिंग वगैरह करते रहता हूँ। इस तरह के मैं आपको दिखा रहा था कि मैं ब्लॉग करते वक्त एक हाथ से स्कूटी चलाता था, एक हाथ से फोन पकड़ता था, तो यार वो बहुत रिस्की होता था मेरे लिए। तो ऐसे रिस्की काम आप लोग भी ना करें, और मैं भी नहीं करूंगा आगे फ्यूचर में। तो मैं उसके लिए एक हेलमेट लेऊंगा अच्छा सा, एक हेलमेट लेने के बाद मैं अपना चिन माउंट लगा के अपना फोन उसके अंदर होल्ड करके
देन अपने दोनों हाथों से स्कूटी चलानी है और छोटे मोटे राइडिंग ब्लॉग आपको दिखाना है अपने रुड़की एरिया, अपने गाँव गाँव के आसपास के क्षेत्र के एरिया, किस तरह के एरिया है यहाँ पर, तो सब आपको दिखाने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छे समझ भी आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस तरह का कुछ काम करना है, अपने वेरीफाई करना है, अपना पिन वगैरह कहाँ पर डालना है, तो वो चीज़ आप इसमें देख करके समझ चुके होंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वाकई अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं, और लाइक कमेंट्स शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, जो जो कुछ इसके अंदर ऑप्शन होता है सब कुछ आप लोगों को करना है मेरे लिए। और बाकी मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। तो यार अभी थोड़ा मोटा जो काम करना है वो अर्निंग आने के बाद आपको दिखाऊंगा मेरा व्लॉग किस तरह के आने वाला है, मतलब अब छोटा मोटा जो भी काम करना है मेरे को वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस यूट्यूब की अर्निंग से, यूट्यूब मनी से मैं क्या क्या करने वाला हूँ, सब आपको एक व्लॉग के अंदर दिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।